दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे बेहतरीन आविष्कारों की जानकारी लेकर जो हमारी जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इस पहले आविष्कार के साथ, फ्लेक्स बीम। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केवल भारत में ही 88% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी कारणवश चिंता और तनाव से ग्रसित है। तो ऐसे में ये डिवाइस हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसे ऐसा डिवाइस बताया जा रहा है जो मिनटों में जोरों की सूजन, मांसपेशियों में तनाव और माइग्रेन जैसी बीमारियों से राहत दिला सकती है। इस डिवाइस से लाल और रक्त स्पेक्ट्रम निकलती है जो विभिन्न प्रकार के इलाज में मदद करने के लिए जानी जाती है, और फिर यह काफी तेज गति से दर्द वाली जगहों पर जाती है और मिनटों में उस दर्द को गायब कर देती है। आप इसे अपने पीठ पर, गर्दन जोड़ों पर या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में फिट कर सकते हैं और फिर अपने सालों की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। घोस्ट पेसर। दोस्तों आज की दुनिया में फिट रहना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में यदि किसी वर्कआउट को हम अकेले करने जाएं तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, मगर वहीं पर यदि कोई हमारा कंपटीटर आ जाए तब उसे करने में हमारी और भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो अब आपके इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए बनाया गया इस कमाल के आविष्कार को। यह एक ऐसा हाईटेक ग्लास होता है जिसे पहनते ही आपके आगे एक भूत साथी आ जाता है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है, यह एक वर्चुअल कैरेक्टर होता है जो आपके लिए एक कंपटीटर का काम करता है और हमेशा आपसे 10 कदम आगे रहता है। फिर आप इससे तुलना करके इससे आगे निकलने की चैलेंज ले सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहे तो ये आपके लिए एक ऐसे साथी के तौर पर काम करेगा जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों इस कमाल के आविष्कार के लिए एक लाइक तो बनता है। विंग। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग चीजों को ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करते हैं, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सहूलियत भरा भी होता है, मगर इसके साथ एक दिक्कत ये होती है कि हमें प्रोडक्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। मगर इस ड्रोन के आविष्कार के बाद अब आपको अपने सामानों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। यह एक ऐसा स्वचालित ड्रोन होता है जो काफी तेज गति से पैकेज को डिलीवर करने का काम करता है। कंपनी का यह दावा है कि ये ड्रोन कुछ डिलीवरी को लगभग 6 से 10 मिनट में ही पूरा कर सकती है। मतलब कि प्रोडक्ट ऑर्डर करके बाथरूम गए नहीं कि प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाएगा। इससे इतनी फास्ट डिलीवरी होगी, अब क्या चाहिए। दोस्तों यह केवल कोई प्रोटोटाइप ही नहीं है, बल्कि यह ऑलरेडी कई देशों में काम भी कर रही है। वीवैट। दोस्तों अगर किसी पर नजर रखना हो तो उसके लिए ड्रोन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वे साइज में बेहद ही छोटा होता है जिससे वो किसी के नजर में भी नहीं आता है। तो अब इसी काम को और भी स्मार्टली करने के लिए अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाई गई इस एडवांस ड्रोन को, जो खुद ब खुद लंबवत उड़ान भरने और उतरने में भी सक्षम होगा। इस ड्रोन को खास करके दुश्मनों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। देखने में ये आपको जरूर थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मगर इसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है, जिससे यह एक निश्चित ऊंचाई तक तो लंबवत ही उड़ान भरती है, मगर उसके बाद एक प्लेन के भांति क्षैतिज हो जाती है और फिर आगे लगे कैमरे की मदद से दुश्मनों पर नजर गराए रहता है। यह ड्रोन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भी भर सकती है। वहीं पर दोस्तों जहां एक सामान्य ड्रोन हवा में 1 से 2 घंटे तक की उड़ान भर सकती है, वहीं पर ये ड्रोन 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होती है। क्लीनिंग प्लास्टिक ट्रैश। दोस्तों अगले आविष्कार की ओर बढ़ने से पहले आप ये देखो, ये वो देश है जो नदी को केवल नदी मानता है, और ये वो देश है जो नदी को माता मानता है। मगर क्या आप जानते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की लोग ही जिम्मेदार है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया इस आविष्कार को, जो नदियों के साथ बहकर आने वाली कचरे को रोककर नदी को क्लीन करने का काम करती है। बस केवल इस सिस्टम को एक लाइन में नदी के किनारे इंस्टॉल कर देना होता है, जो खुद ब खुद घूमता रहता है,
और फिर ये आविष्कार पानी के साथ बहकर आने वाली कचरे को कुछ इस तरीके से एक बॉक्स में स्टोर करते जाती है। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि ये सारा काम खुद ब खुद होता है, यानी कि इसके लिए कोई वर्कर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ग्लोबल ग्रैब 400। दोस्तों, पुलिस मुठभेड़ में कई बार क्रिमिनल्स सिग्नल बैरियर को तोड़कर फरार हो जाते हैं, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे ही खतरनाक परिस्थिति में अपराधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस आविष्कार को, जो देखने में तो एक जाल की तरह प्रतीत होती है, मगर यह सेकेंडों में तैनात हो जाती है। उसके बाद ये बैरियर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे 60 टन तक के वजन वाले ट्रक को रोकने में भी सक्षम होती है। दोस्तों, यह सुरक्षा बैरियर इतना उपयोगी होता है कि यह पहले से ही कई देशों में काम कर रही है और इसके नाम कई अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। दोस्तों, क्या ऐसा सुरक्षा उपकरण हमारे पुलिस अधिकारियों के पास भी होना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। स्कार्पर। दोस्तों, साइकिल एक ऐसी निजी सवारी है जिसका इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है, भले ही सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो पारंपरिक साइकिल होता है वो कहीं ना कहीं थका देने वाला होता है। तो ऐसे में यदि आप चाहे तो अपनी उस पुरानी साइकिल को एक इलेक्ट्रिक बाइक में बदल सकते हैं, वो भी केवल एक क्लिक में ही। बस आपको केवल इस डिवाइस को अपने साइकिल के पिछले पहिए में लगा देना होता है। उसके बाद ये डिवाइस आपको बिना पैडल मारे ही 60 किलोमीटर तक की दूरी स्वतंत्र रूप से तय करने की अनुमति दे देती है। बस केवल इसे सिस्टम को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, और फिर इससे 32 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से इजिली ट्रेवल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, यह डिवाइस बेहद हल्का भी होता है, जिससे इजिली इसे अपने साथ कैरी भी किया जा सकता है। पिलोडी। दोस्तों, जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब उस दौरान हम अक्सर किसी चीज से सहारा लेकर उस पर उठंग जाया करते हैं या फिर झुक कर आराम किया करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे गर्दन पर तनाव पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए बनाया गया इस डिवाइस को। यह एक फैशनेबल तकिया होता है, जिसे एक विशेष प्रकार के कपड़ों के अंदर फिक्स कर दी गई होती है। बस जब भी आपको इसकी जरूरत हो, इसे कुछ इस तरीके से फुलाएं, उसके बाद आपके गर्दन के पास एक तकिया आ जाएगा, जिसके बाद आप आराम से कहीं भी सो सकते हैं। दोस्तों, यह डिवाइस पोर्टेबल होता है और इससे आपके स्टाइल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रो ड्रोन। दोस्तों, अब जो ड्रोन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक ऐसा ड्रोन होता है जिसकी मदद से कठिन कार्यों को इजीली किया जा सकता है। इस ड्रोन को खास करके दूर दराज के इलाकों में मुश्किल घड़ी में सामानों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 रोबोटिक हैंड लगे होते हैं और प्रत्येक हैंड 10 केजी तक का वजन उठा सकता है, यानी कि यह ड्रोन एक साथ मैक्सिमम 20 केजी तक के वजन को लेकर 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और मुसीबत में फंसे लोगों को सही समय पर मदद पहुंचा सकता है। सीक्रेट ब्रेसलेट। दोस्तों, क्या हो अगर आपका मोबाइल फोन एक ब्रेसलेट की मदद से कंट्रोल हो? आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? तो क्या नाचो मैं? तो जी हाँ मेरे दोस्त, अब ऐसा बिल्कुल संभव है। यह एक ऐसा स्मार्ट ब्रेसलेट होता है जिसे बस केवल आपको अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद इसमें लगे फ्लैशलाइट आपके कलाई पर एक मोबाइल स्क्रीन ओपन कर देता है, जिससे आप अपने कलाई पर ही वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपका कोई कॉल है तो आप उसे अपने कलाई से ही कट या रिसीव कर सकते हैं। पोड टाइम। दोस्तों, अक्सर ऑफिस में अधिक काम करने के बाद कर्मचारी तनाव महसूस करते हैं, ऐसे में उन्हें एक छोटी सी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। बट ऑफिस में ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है जहां पे वे प्राइवेटली आराम कर पाए, तो वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है इस आविष्कार को। यह एक ऐसा गोलाकार बेड होता है जिसमें कर्मचारी 10 से 20 मिनट का एक छोटा सा झपकी ले सकता है।
इस पोर्ट्स के अंदर लाइट, म्यूजिक प्लेयर, एक छोटी सी स्क्रीन और हवा आने के लिए कई उपकरण लगे होते हैं, जिसमें यूजर बड़े ही आसानी से बिना कोई डिस्टर्ब के आराम कर सकता है। एस्काडू। दोस्तों, खाना बनाते समय कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बर्तनों से चिपक जाया करता है, जिसे सफाई वक्त छुड़ाने में काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर वहीं पर ये डिवाइस इस काम को चुटकियों में निपटा सकती है। यह एक इलेक्ट्रिक स्क्रबर होता है, जिनमें तीन छोटे छोटे ब्रश लगे होते हैं और यह आपकी क्लीनिंग प्रोसेस को काफी हद तक आसान बना देता है। फिर चाहे आपको किसी सतह से कोई दाग छुड़ाना हो या फिर बर्तन सफाई करनी हो, यह डिवाइस हर काम को बड़े ही आसानी से करते जाता है। सेगो चार्जर। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेवलिंग के दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो है मोबाइल चार्जिंग की। तो इसी समस्या को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया इसे ट्रैवल सोलर पैनल को, जिसे कोई भी व्यक्ति चलते फिरते कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। यह एक फोल्डेबल सौर पैनल होता है, जिसे सेकेंडों के अंदर तैनात किया जा सकता है और फिर इससे बड़े ही आसानी से कहीं भी अपने डिवाइसों को चार्ज किया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अब आपको अपने उपकरणों को चार्ज करने के लिए किसी भी भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को ढोना नहीं पड़ेगा। विस्क एयर टैक्सी। ये है दुनिया की पहली सेल्फ फ्लाइंग एयर टैक्सी, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होती है और इसमें एक साथ चार लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। अब आपको घंटों भर ट्रैफिक में अपना समय गंवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे अमेरिकी सरकार द्वारा ऑलरेडी मंजूरी दी जा चुकी है और इसके बहुत जल्द हमारे भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है। यह टैक्सी एक सिंगल चार्ज पर 144 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और इसे चार्ज होने में केवल 15 मिनट का समय लगता है। इसकी सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि यह एक सार्वजनिक टैक्सी सेवा होगा, जिसका हर कोई इस्तेमाल कर पाएगा। इस टैक्सी की टॉप स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी और यह किलोमीटर के हिसाब से किराए पर चलेगा। BU चेयर। दोस्तों, कुर्सी चाहे कितनी भी आरामदायक और महंगी क्यों ना हो, उस पर यदि लंबे समय तक बैठा जाए तो इंसान डेफिनेटली थक जाएगा। तो ऐसे में इस्तेमाल किया जा सकता है इस चेयर को, जिसे अपनी मर्जी अनुसार किसी भी तरह के पोज में बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कुर्सी के सभी भाग बड़े ही आसानी से किसी भी दिशा में मुड़ जा सकते हैं और यदि आप इस पर लेटना चाहे तो लेट भी सकते हैं। यानी कि इस चेयर को आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं और बैठने के लिए अलग अलग पोज बना सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।